ध्यान लगाने के लिए, मेडिटेशन के लिए कैसे आप रेकी की सहायता ले सकते हैं, आज मैं यही बताऊंगी। मैं रमा जोशी, जोशी रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर, बहुत सारे इन सब सब्जेक्ट्स की जानकारी देती हूँ, वो भी बहुत ही आसान शब्दों में। जो लोग इन सब के बारे में जानना चाहते हैं बहुत ही ईजी और लॉजिकल वे में, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन भी आए वीडियोस का, और लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो, कमेंट डालिए क्या चीज़ अच्छी लगी और आप और क्या जानकारी चाहते हैं वो भी बताइए। तो देखिए, मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ रेकी की, सब रेकी करें, ज़रूरी है हर एक सीखे, और मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ मेडिटेशन की। मेडिटेशन भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हर व्यक्ति को करना ज़रूरी है। लोग पहले ऐसा सोचते थे कि मेडिटेशन जो है ना वो कुछ ही लोगों के लिए, आध्यात्मिक लोगों के लिए। देखिए, हम सब भारतीय हैं, हम सब आध्यात्मिक हैं, हम सब उस स्तर पर हैं कि हम मेडिटेशन को अपना सकते हैं, तो क्यों ना अपनाएं, आप अपनाइए ना मेडिटेशन को। अब बात आती है कि रेकी और मेडिटेशन को लोग जोड़ देते हैं, वो भी मैंने वीडियो बनाई कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, हम रेकी हीलिंग की हेल्प ले सकते हैं। क्या होता है कि हमारी जो ऊर्जाएं ना वो भटकी भी रहती हैं, किस किस स्तर पर, एक तो मन के स्तर पर, एक आत्मा के स्तर पर, इस शरीर के स्तर पर, हमें इन तीनों स्तरों को एक करना होता है। तीन स्तर जो है, शरीर का स्तर, मन का स्तर, आत्मा का स्तर, हमें इन तीनों को इकट्ठा करना। फिर क्या होता है कि हम कई बारी हमारी ऊर्जाएं इतनी ज़्यादा, आप ये कहो, उस स्तर पे नहीं होते कि हम खुद को सही तरीके से इकट्ठा कर पाएँ। हम कहीं ना कहीं मेडिटेशन करते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, दिक्कत होती है, और हम उसमें ही उलझ के रह जाते हैं और आगे उस लेवल को नहीं अचीव करना कर पाते हम। वो जो एक अनुभूति होती है, जो एक सुखानुभूति होती है, जब हम जुड़ते हैं अपने इष्ट से, वो हम नहीं महसूस कर पाते। तो हम अगर रेकी जानते हैं और अगर रेकी हमने सीखी है तो हम कैसे इसको प्रयोग करें, यही आज मैं बताऊंगी। इसको भी आप यूज़ करके अपनी मेडिटेशन के लेवल को बहुत आगे कर सकते। देखिए, जब भी आप मेडिटेशन स्टार्ट करें, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने आप को क्लीन करना है, जैसे हम रेकी में करते हैं। आप खुद को जो भी आदेश देंगे वो आपका शरीर, आपका मन, आपकी आत्मा मानने वाली, आप आदेश दीजिए कि मैं मेडिटेशन बहुत अच्छी कर पाऊँ, उस स्तर पे पहुँचूँ, मैं इस तरीके की फील रख रही हूँ, ये होगा। फिर आप ये अपने आप को आदेश दीजिए कि मेरे सातों चक्रों में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो निकल जाए, मेरे ऑरे में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, इंटरनल ऑरे में, वो निकल जाए, मेरे आउटर ऑरे में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो निकल जाए, तो निकल जाएगी। उसके बाद आप अपने आप को ही निर्देश दीजिए कि मेरा ऑरा लॉक हो जाए, सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी अंदर एंटर कर पाए, नेगेटिव नहीं कर पाए, और जो नेगेटिव है वो कंटिन्यू निकलती रहे, अंदर से खत्म हो जाए तब तक निकलती रहे। ये आपने आदेश दे दिया। अब आप मेडिटेशन, क्योंकि अगर आप टोटली लॉक कर देंगे तो आप मेडिटेशन में पॉजिटिव एनर्जी से भी नहीं जुड़ पाएंगे ध्यान में, क्योंकि हमें तो जुड़ना है ना। अगर हम खुद को ही लॉक कर लेंगे तो फिर हम मेडिटेशन में क्या पाएंगे, कुछ भी नहीं पाएंगे, हम तो अपनी अपनी एनर्जी में ही हैं, समझ रहे हैं ना। हमें वो ऊर्जाएं चाहिए, हमने खुला रखना है खुद को सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी के लिए, नेगेटिव के लिए नहीं। ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए आपको उन ऊर्जाओं को चाहिए जो कि सकारात्मक है। आपको लॉक नहीं करना है पूरी तरीके से खुद को, तो आप लॉक करेंगे सिर्फ नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए। देखिए, सबसे पहले आप बैठे, आपने अपने ऑरे को क्लीन किया, आपने चक्रों को क्लीन किया, लॉक किया, उसके बाद अब ये हम रेकी में करते हैं ये सारी चीज़ें, तो ये मैंने बोली। अब आप क्या करेंगे कि अब आप बैठे हैं अपनी हील करने के लिए और आपको ध्यान लगाना है, ठीक है। आपको थर्ड आई चक्र में सामने देखना है और ऊर्जाएं आपके अंदर आएंगी और आपको उनको लेके जाने हैं अपने रूट चक्र में, अपने मूलाधार में। अब आप क्या कीजिए, अपने मूलाधार चक्र पे आप अपने सिंबल बना लीजिए, जो भी आप रेकी के बना लेते हैं, जिस भी लेवल तक आपने रेकी करी आप उतने, ये नहीं कि आप सारे सिंबल बना लें। रेकी के मेन चार सिंबल ही हैं, एक वो है होंछा जशुनैन और तीन सिंबल और हैं। अगर आप मास्टर लेवल पे हैं तो मास्टर से बनाइए तीन सिंबल, अगर आप दो लेवल आपने किया है तो दो लेवल के जो दो सिंबल हैं वो बनाइए, होंछा जशुनैन बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ दो या तीन ही सिंबल बनाने हैं आपको आपके रूट चक्र पे। थर्ड आई से आंखें बंद करके बैठिए
और फिर कल्पना कीजिए कि आप थर्ड आई को फील, वहां से थर्ड आई से आप फील कर रखे हैं अपने मूलाधार चक्र पे, आपको सेंसेशन से फील होगी और उसके बाद आप वहां पे अपने सिंबल बना लीजिए। थोड़ी देर जो आप जैसे आप बोलते हैं थोड़ी देर आप हील करते हैं, वैसा आप कीजिए कि मेरी हीलिंग अच्छी हो, मैं जुड़ पाऊँ, खुद से कनेक्ट हो पाऊँ, एनर्जी से कनेक्ट हो पाऊँ, बस फिर आप अपना शुरू कर दीजिए। सामने देखिए, इष्ट से जुड़िए और वहाँ ध्यान दे जाइए, फिर देखिए आपकी मेडिटेशन को एक ग्रोथ मिलेगी, एक एनर्जी मिलेगी, एक ऐसी चीज मिलेगी जो कि उसको सपोर्ट करे। जब हम रेकी हीलिंग, मैं ये नहीं बोल रही कि आप अपने पूरे ऊपर आप सिंबल डाल लीजिए और फिर आप स्टार्ट कीजिए, नहीं, सिर्फ रूट चक्र पे आप अपने सिंबल डालिए बस। क्यों? क्योंकि आपको उसी को ही अभी एनर्जी को लेके वहीं आपने जाना है, आप अपनी मेडिटेशन करें। रेकी का अलग सिस्टम है, रेकी में मैं अलग बताती हूँ ना कि आप अपने ऊपर सिंबल डालें, रूट चक्र में नहीं बोलती, यहाँ आप ऐसा कीजिए। आप फिर देखिए कि आपकी जो ऊर्जाएं फटाफट जब आप ले रहे हैं ना थर्ड आई से आज्ञा चक्र से, फटाफट आप उन्हें नीचे रूट चक्र पे ले जाके उनको ले जा सकेंगे और स्टोर कर पाएंगे, जितनी भी नेगेटिविटी है वो निकलेगी और आपका जो रूट चक्र है वो एक्टिवेट होगा और वहां से वो ऊर्जाएं जिनके साथ आप जुड़ना चाहते हैं ना आप जुड़ पाएंगे। तो आपको एकदम महसूस होगा जो वो नकारात्मकता निकलेगी ना आपके अंदर से, क्योंकि वहां से ऊर्जाएं आ रही हैं थर्ड आई से, वो आपने ली आपके आज्ञा चक्र से, फिर उसको आपने रूट चक्र को हील किया, तो वो सारी की सारी नेगेटिविटी निकलेगी और आपके अंदर एक एनर्जी का ऐसा फ्लो बनेगा, क्योंकि वहीं से ही ऊर्जाएं आपकी उठेंगी जब आपने हील करना है, वो उठेंगी और फिर आपको महसूस होगा कि हाँ मैं एक मेडिटेशन के, एक ध्यान के अच्छे स्तर पे पहुंच रहा हूँ। तो देखिए रेकी हीलिंग से आप बहुत सारी चीज़ों में हेल्प ले सकते हैं, मेडिटेशन में भी ले सकते हैं। आज मैंने यही बताया कि आप कैसे अपनी मेडिटेशन में हेल्प लेके रेकी से और अच्छे स्तर पे मेडिटेशन कर सकें। आज के लिए इतना ही, बहुत सारी ऐसी ही जानकारी मैं लेकर के आपके लिए आती रहूँगी। मैं रमा जोशी, नमस्कार।